अब हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं 70 mAh A500S डुअल चैनल के साथ। मतलब ये डैश कैमरा है, सीधा सीधी बात आप समझिए। तो देखिए अभी अभी हम लोगों ने मंगाया हुआ है। हाँ, इसको अभी हम लोग, ये तनु है, हेलो, ये एक देते हैं साथ में छोटा सा बॉक्स। हम लोगों ने सोचा कि कार पर ही इसको अनबॉक्सिंग करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसके साथ ये मिलता है इसका आपको बेल, अगर आप अमेजन से मंगाते हैं तो। और पैकेट में कुछ नहीं है जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब हम लोग इसको चलते हैं खोलने के लिए। पीछे जो आप लोगों को बैल सुनाई दिया, ये अगल बगल कुछ बैल हैं जिनको बोला जा रहा है। एक मिनट, इसको खोलने में लग रहा है थोड़ा सा समय। तो एक मिनट, खोलने में इसको लग रही है थोड़ी सी परेशानी। इसको हम लोग चाबी से भी खोल सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ये अभी ऊपर इन्होंने एक प्लास्टिक रैप करके दे के रखा है इन्होंने इसके ऊपर। और हालांकि ये फ्रेंडली नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा इको फ्रेंडली नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसके बारे में अमेजन को सोचना चाहिए एक बार। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक मिलता है आपको एक मेन कैमरा, और इसके ऊपर एक थिन फिल्म इन्होंने लगा के रखा हुआ है। और इसके साथ, क्या आपने इसको कैप्चर किया? जी। उसके बाद ये एक आपको इसके साथ मिलता है रोटेटेबल कैमरा, जिसको भी अगर आप गाड़ी के ऊपर लगा के रखते हैं तो प्लीज़ जरा इसको कैमरा के सामने ले आकर रोटेट करके दिखाइए। इसको अगर आप ऐसे रोटेट करेंगे तो ये हो जाएगा रोटेट, एंड ये इतना एरिया ये करेगा कवर। ये ऑटो रोटेट होता है? नहीं, ऑटो रोटेट नहीं है। इसको मान लीजिए गाड़ी के अंदर का रोटेट लेना है आपको, कैप्चर करना वीडियो, तो ये उसका भी काम करेगा। ओके। इसके साथ आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो एक माइक्रो एसडी कार्ड मिलता है, जहाँ पे आपको इसका मेमोरी कार्ड इसमें आपको डाल देना है। आगे चलते देखते और क्या इस डब्बे के अंदर। इसको यहाँ रखते हैं हम साइड में। उसके बाद ये एक लिफाफा है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं और क्या है। और इसके अंदर आपको मिलता है यूजर मैनुअल। इसके अंदर आपको मिलता है कुछ आइटम, जिसमें एक आपको दो फिल्म मिलते हैं जिसका ये आप यूज करेंगे इसके चिपकाने के लिए। और उसके बाद एक है यूजर मैनुअल आपके पास, एंड देन ये एक और आइटम है इसके साथ जिसको यूज करना है। ये इसको ए डैश बोलते हैं, जिसके बारे में आपको बाद में जानकारी दी जाएगी कि ये क्या है। इसके बाद आपको एक और हम लोग इंस्टॉलेशन वीडियो आपको साथ पोस्ट करेंगे, जिसमें हमको हम आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। बाकी और आइटम एक बार बस एक देख लेते हैं। इसके अंदर आपको मे बी इसका चार्जर होगा, एंड कुछ और आइटम्स मिलेंगे आपको। एंड इसके अंदर इसको निकाला जाए अभी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर ये एक इसका बैक पैड है, इसी को भी ए डैश करते हैं। एंड इसका यूज भी हम लोग चेक करेंगे और आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। इसके साथ आपको मिलता है दो और आइटम। एक है ये, इसका यूज क्या है कि आपको जब अंदर से वायरिंग करना है तो जो ऊपर का पार्ट है उसका बॉडी को ऐसे उठाइए, एंड देन वायर को अंदर डाल दीजिए। इसका यूज करते टाइम हम लोग आपको दिखाएंगे। इसके बाद आपको एक और आइटम मिलता है, वो है चार्जिंग पिन, जिसका आप यूज करेंगे। इसका एक कॉर्नर जाएगा आपको इस कैमरा के अंदर, एंड दूसरा कॉर्नर जाएगा आपको आपका चार्जिंग सॉकेट में। इसका एक बात और बताना चाहते हैं, हम लोगों ने गाड़ी पर ही इसको अनबॉक्स करके दिखाया है, हम लोग कोई प्रोफेशनल नहीं है। हाँ। तो आप लोग बढ़िया से देखिए, इसमें किसी भी तरह का ट्रिक नहीं हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही हम लोगों ने अमेजन का कोई प्रचार किया है, और ना ही 70 mAh पर कैमरा का कोई प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने खरीदा है, उसको अनबॉक्स करके आपको दिखा रहे हैं। कुछ डाउट होने पर प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, शुक्रिया। हाँ, इसके साथ
एक और आइटम ये मिलता है हमें, जो कि आपको एक एडिशनल इन्होंने पिन दे के रखा है आपको चार्ज करने के लिए, सॉकेट है, ताकि अगर आपके पास नहीं भी हैं तो आपको अलग से नहीं लेना पड़े। दैट्स इट अभी तक के लिए इस अनबॉक्सिंग वीडियो में, आगे इंस्टॉलेशन की वीडियो आपके शेयर जाएगी। थैंक यू।